फ्रेंड्स, आपने थंबनेल में देखा कि लोन का पैसा 100% माफ कब होता है? बिल्कुल होता है और 100% माफ होता है। उसमें लोन लिया हुआ बंदा एक भी पैसा नहीं चुकाता और उसका पूरा का पूरा 100% लोन माफ हो जाता है। क्यों होता है, कैसे होता है, किन लोगों का होता है और इसके लिए कंडीशंस क्या होती हैं, वो सारी डिटेल्स जो है मैं आप लोगों को इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मैं मोटिवेट होता हूँ और आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आता हूँ, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी मदद मिलती है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिन लोगों ने मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लिया है और वो लोग अपना लोन का अमाउंट जो है पैसे की तंगी के कारण पेड नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसे लोगों में भी तीन कैटेगरी के लोग हैं। नंबर वन है जिन लोगों के पास में पैसा है, जानबूझकर पेड नहीं करना चाहते। नंबर टू कैटेगरी के वो लोग हैं जिनके पास में अभी पैसा नहीं है, लेकिन बाद में पैसा आएगा तो पेड करूँगा। और फ्रेंड्स, नंबर थ्री कैटेगरी के लोग हैं, उनकी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है, जिनके पास ना कोई जॉब है ना पैसा है और इन फ्यूचर भी अभी उनको मालूम नहीं है कि उनके पास में पैसा कब आएगा, बिकॉज उनके पास में कोई जॉब नहीं है और ना ही कोई इनकम का स्रोत है, तो उनको ये भी मालूम नहीं है कि मेरे पास में पैसा कब आएगा और कब मैं इसका पेड करूँगा। ऐसे लोग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं। अब तीनों ही कैटेगरी के बारे में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फ्रेंड्स, नंबर वन कैटेगरी की बात कर लेते हैं। वन कैटेगरी वाले वो लोग हैं जिनके पास में पैसा है लेकिन जानबूझ के पेड नहीं करना चाहते। तो फ्रेंड्स, उन लोगों को एक ना एक दिन पैसा पेड करना होगा, बिकॉज ऐप लोन वाले जो लोन देते हैं तो वो भी थोड़ा दिमाग रखते हैं कि इसको पैसे को वापस भी कैसे लेना है। तो उनके सिस्टम में काफ़ी सारा ऐसा डाटा होता है, जैसे कि कॉन्टैक्ट लिस्ट, रिकवरी एजेंट वगैरह, कई सारे इनके पास में ऑप्शन होते हैं जिसके माध्यम से वो उनसे पैसा ले लेते हैं। और नंबर वन कैटेगरी वाला जो बंदा होता है उसको पैसा पेड करना ही होता है और अंत में वो पैसा पेड करता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स नंबर टू कैटेगरी की। उसके पास में अभी पैसा नहीं है लेकिन बाद में पैसा आएगा तो वो पेड करेगा। तो फ्रेंड्स, नंबर टू कैटेगरी के लोग भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, बिकॉज उनके पास में भी कॉल्स पे कॉल्स आती हैं और रिकवरी एजेंट का भी आने का उनको डर हमेशा सताए रहता है। इस वजह से वो लोग भी ज़्यादा बेचैन रहते हैं और जब भी उनके पास में पैसा आता है तो वो कुछ ना कुछ करके थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके पेड कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स नंबर थ्री कैटेगरी वाले लोगों की, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं और वो इसीलिए फेस करते हैं क्योंकि उनको ये भी नहीं पता होता कि उनके पास में पैसा कब आएगा, बिकॉज उनके पास में ना कोई जॉब होता है, किसी भी प्रकार का उनके पास में इनकम स्रोत नहीं होता है। इस वजह से उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और वे लोग सबसे ज़्यादा बेचैन रहते हैं। वो लोग इसलिए ज़्यादा बेचैन रहते हैं, एक तो उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका होता है और दूसरी बात, उन लोगों को लगता है कि अगर रिकवरी एजेंट आया या फिर कॉल्स वगैरह आया, किसी और मेरे परिचित को मेरे बारे में पता लगा, तो उन लोगों के सामने मेरी इमेज, जो बची खुची इमेज है, वो भी ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए वो लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को कि नंबर वन कैटेगरी वाले लोग, जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था, वो लोग पेड करते हैं अमाउंट और उनको करना ही पड़ता है। नंबर टू कैटेगरी वाले होते हैं, उनको भी उनका अमाउंट पेड करना होता है, बिकॉज वो नहीं चाहते कि उनके पास में इतने सारे कॉल्स वगैरह आएँ और हमेशा उनके माइंड में जो है रिकवरी एजेंट का डर बना रहे। हो सकता है किसी प्रॉब्लम्स के कारण उसकी एक तो EMI ड्यू रह गई होगी, तो उस वजह से वो पेड नहीं कर पाया, बट वो कर देता है अगर समझदारी से और सूझबूझ से काम लेता है, तो वो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पैसा करके इन लोगों का पेड करके और इन लोगों से पीछा छुड़ा लेता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स नंबर थ्री कैटेगरी की। तो भाई, वो कहाँ से पेड करेगा? उसके पास में पैसा भी नहीं है, उसके पास में जॉब भी नहीं है, उसके पास में ऐसा कोई भी इनकम का स्रोत नहीं है जिससे कि वो पेड कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थ्री नंबर कैटेगरी वाले लोग जिनके पास में कोई जॉब नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई इनकम स्रोत नहीं है, ज़्यादातर इन्हीं लोगों का पैसा जो होता है माफ होता है, वो किस प्रकार से होता है वो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों को इसकी जानकारी रहेगी तो शायद हो सकता है आप लोगों को थोड़ा दिमाग में तसल्ली आए कि हाँ, हो सकता है हमारा पैसा माफ़ हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये तब समझ में आएगा जब इस चीज़ को हम स्टार्टिंग से शुरुआत करेंगे। फ्रेंड्स, आपने जब लोन लिया उस समय आप लोगों का सिविल स्कोर बहुत अच्छा था और उस समय में आप लोगों ने किसी अन्य प्रकार का लोन नहीं ले रखा था, इसी वजह से आप लोगों का सिविल स्कोर अच्छा था। फर्स्ट टाइम आपने किसी एप्लीकेशन से लोन लिया, उस पैसे को यूज किया, उसके बाद में उसका अमाउंट पे करने के लिए किसी दूसरे एप्लीकेशन से लोन लिया, उसका पेड किया। इस प्रकार से आपके पास में दो लोन अमाउंट हो गए, फिर तीन हुए, फिर चार हुए, पांच हुए। इस प्रकार से करते करते आपने कई सारे मल्टीपल एप्लीकेशन से लोन ले लिया, इनकम का स्रोत आपके पास में बिल्कुल था नहीं, इसीलिए आपको दूसरे एप्लीकेशन से लोन लेना पड़ा पहले वाले लोन को भरने के लिए। अगर आप लोगों के पास में इनकम का स्रोत होता तो आप सबसे पहले जिस एप्लीकेशन से लोन लिए हो उसका पेड करते, लेकिन आप लोगों के पास में इनकम का स्रोत ना होने की वजह से आप लोगों ने किसी
दूसरी एप्लीकेशन से लोन लेके पहले वाले लोन को पेड किया। ऐसा करते करते फ्रेंड्स आपने कई सारे मल्टीपल एप्लीकेशन से लोन लिए और अब उसका पैसा पेड नहीं कर पा रहे हो। वो इसलिए नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपके पास में पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, इनकम का किसी भी प्रकार का कोई स्रोत नहीं है। अब फ्रेंड्स जो भी बंदा इन लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लेता है उनका कंप्लीट डाटा जो है इन लोन एप्लीकेशन कंपनियों के डाटा में स्टोर होता है। यहाँ पे सबसे जरूरी डाटा जो है आप लोगों का इनके पास में आपका पैन कार्ड होता है जिसमें कि सारी डिटेल्स होती हैं। अब फ्रेंड्स ये लोग ज़्यादातर कॉल्स तो करते ही रहते हैं बिकॉज इसलिए कॉल्स करते हैं कि हो सकता है बंदे के पास में पैसा नहीं है तो वो किसी दूसरे से अरेंजमेंट करके और हमारे लोन का पैसा चुका दे। फ्रेंड्स आपके पास में ये जो बार बार कॉल्स आती है ना वो इनके सिस्टम की वजह से आती है बिकॉज इनके सिस्टम को इस प्रकार से अपडेट किया हुआ है कि जिन लोगों ने लोन ले रखा है और उनका EMI पेंडिंग है उन लोगों के पास में ये जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली उनके पास में कॉल कनेक्ट कराता है और कॉल कनेक्ट करा के अपने कस्टमर केयर से उसको बात करने के लिए मजबूर करता है और कस्टमर केयर को आपसे बात करनी पड़ती है और वो आप लोगों से लोन की जो रिकवरी है वो वसूल करने की कोशिश करता है। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि कॉल्स तो प्रत्येक बंदे के पास में आएंगी, फर्स्ट कैटेगरी वाले बंदे के पास में भी आएंगी, सेकंड कैटेगरी वाले बंदे के पास भी आएंगी और थर्ड कैटेगरी वाले बंदे के पास में भी आएंगी बिकॉज वो सिस्टमेटिक जनरेटेड कॉल होती हैं जो कि आप लोगों के पास में आएंगी। अब ये कॉल्स फ्रेंड्स आपके पास में कब तक आएंगी, कब आपका लोन माफ़ होगा, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स आपके पास में 3 महीने तक आपके पास में दबा के कॉल आएंगी, दबा के आप लोगों के पास में कॉल करके हरासमेंट किया जाएगा और बोला जाएगा कि अभी के भी आप पैसा जमा कराइए नहीं तो आप लोगों का सिविल ख़राब हो जाएगा, रिकवरी एजेंट आपको फॉलो करेंगे, लीगल नोटिस जारी किया जाएगा। जितने भी फंडे हैं इन लोगों को लगाने होते हैं वो सारे फंडे इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स 3 महीने तक भी आपने अगर इनका लोन का पैसा पेड नहीं किया तो ये आपके लोन अकाउंट को NPA में डाल देते हैं। NPA का मतलब ये होता है फ्रेंड्स की जो बैलेंस शीट होती है उसमें ये श्योर नहीं करते हैं, बैलेंस शीट को साफ सुथरा रखने के लिए ये NPA में डाल देते हैं। अब ये लोग फ्रेंड्स क्या करते हैं, आप लोगों के पैन कार्ड की सारी डिटेल्स चेक करते हैं कि इस बंदे के पास में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, सारी डिटेल्स वहाँ पे इन लोगों को देखने को मिल जाती हैं। पैन कार्ड में सारी डिटेल होती हैं कि ये बंदे के पास में कितने इसके लोन अकाउंट हैं, कितने इसके लोन अकाउंट ड्यू चल रहे हैं, कितने का इसने पेड किया है, कितना अमाउंट इसके पास में आया और कितना अमाउंट इसके पास से चला गया, ये सारी की सारी डिटेल फ्रेंड्स ये पैन कार्ड के माध्यम से देख लेते हैं। अब उसके बाद में फ्रेंड्स नंबर 1 और नंबर 2 कैटेगरी वालों पे ये और ज़्यादा रिकवरी कॉल बढ़ा देते हैं बिकॉज उन लोगों को लगता है कि इन लोगों से पैसा आ जाएगा बिकॉज उनके पैन कार्ड में इन लोगों को इनकम का स्रोत दिखाई दे जाता है और उनको लगता है कि इनसे पैसा लेना आसान है और इनसे पैसा आ जाएगा तो वो उन लोगों के पास में रिकवरी कॉल्स जो हैं और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अब रही बात फ्रेंड्स नंबर 3 कैटेगरी वाले की तो उसका पैन कार्ड चेक करते हैं तो देखते हैं कि इसके पास में कोई इनकम का स्रोत ही नहीं है तो ये बंदा पेड कहाँ से करेगा। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स ये उस बंदे के पास में कॉल पे कॉल करते रहते हैं बिकॉज वो सिस्टम जनरेटेड कॉल होता है, आपके पास आएंगे और रिकवरी करने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। और फ्रेंड्स 4 से 5 महीने के बाद में ये नंबर 3 कैटेगरी वालों के पास में कॉल्स करना बिल्कुल कम कर देते हैं। वो इसलिए कर देते हैं कि उनको पता है कि इसके पास में अभी कोई इनकम का स्रोत नहीं है और वो लोग कॉल इसलिए करते हैं बिकॉज वो सिस्टमेटिक जनरेटेड कॉल होती हैं, उसके माध्यम से भी आप लोगों को यही बताया जाता है कि आप लोगों का सिविल ख़राब हो जाएगा, आप लोग कहीं से भी अरेंजमेंट करके अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो आप लोग कहीं से अरेंजमेंट करके पेड कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा पेड कर दीजिए, आप लोगों से सभी EMI नहीं भर पा रहे हो तो 1 EMI पेड कर दीजिए, इस प्रकार से आप लोगों को सेटलमेंट देने का भी ऑफर दिया जाएगा कि आप लोगों के पास में पैसा नहीं है तो 1 टाइम सेटलमेंट कर लीजिए। मान लीजिए आप लोगों का 50,000 रुपये का लोन है तो 20,000, 25,000, 30,000 रुपये तक आप लोगों से सेटलमेंट करने का भी ऑफर करते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स जिस बंदे के पास में इनकम का स्रोत नहीं होगा तो वो सेटलमेंट कहाँ से करेगा, तो वो सेटलमेंट भी नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास में अगर कोई इनकम का स्रोत ही नहीं है तो वो पैसा कहाँ से पेड करेगा। कहते हैं ना फ्रेंड्स कि आवश्यकता जो होती है वो आविष्कार की जननी होती है। जैसे कि आप लोगों को आवश्यकता पड़ी कि आपके पास में पैसा नहीं है पेड करने के लिए, आपने YouTube पे सर्च करना चालू कर दिया कि इसी का EMI मेरा पेंडिंग है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इससे कैसे बचाव किया जाए या रिकवरी कॉल्स हरासमेंट से कैसे बचा जाए, इस प्रकार की वीडियो आप सर्च करने लगे। इसी प्रकार से जो नंबर 3 कैटेगरी वाले लोग होते हैं वो लोग ये ढूंढ लेते हैं कि मेरा लोन का पैसा कैसे माफ़ होगा बिकॉज उनको इस चीज़ की आवश्यकता होती है क्योंकि उनके पास में कोई इनकम का स्रोत नहीं होता और वो इसी तरीके को ढूंढने में लगा रहता है कि मेरा पैसा जो है कैसे माफ़ होगा या कैसे मैं इस लोन के जाल से बाहर निकलूं। तो ऐसा करते करते फ्रेंड्स जब 7 से 8 महीने हो जाते हैं तो ये आपके लोन को रिट ऑफ कर देते हैं। रिट ऑफ का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि आपका जो लोन अकाउंट जो है उसको बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, एक तरह से डिफ़ॉल्ट के रूप में डाल दिया जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स डिफ़ॉल्ट 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाने के लिए 3 कैटेगरी में बताया था। विलफुल डिफ़ॉल्टर जिसके पास में कि पैसा है लेकिन वो पेड नहीं करना चाहता, दूसरी कैटेगरी के बारे में मैंने आप लोगों को
बताया था फ्रेंड्स कि जिसके पास हमें ज़रूरी खर्चों में पैसा खर्च होने की वजह से वो 2 या 3 EMI पेंडिंग हो गया लेकिन उसके पास में इनकम का स्रोत है। और थर्ड कैटेगरी फ्रेंड्स उन लोगों की जिनके पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रिट ऑफ होने के बाद में भी इनकी रिकवरी कॉल बंद नहीं होती, ये लोग कॉल्स करते रहेंगे और आप लोगों से बराबर ट्राई करते रहेंगे कि सर आप पेड कर दीजिए। ऐसा करते करते फ्रेंड्स जब साल भर हो जाता है तो ये लोग आपके पैन कार्ड की डिटेल्स फिर से चेक करते हैं कि इस बंदे ने कितने लोन ले रखे हैं, कितने लोन पेंडिंग हैं, कितने लोन एप्लीकेशन का पैसा इन लोगों ने पेड करवाया है और इसके पास में इनकम का स्रोत है भी या नहीं है, इसके अकाउंट में कितनी लेन देन हो रही है, कि इसके अकाउंट में कोई इनकम का स्रोत है या नहीं, इसके अकाउंट में कुछ पैसा आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ये सारी डिटेल्स चेक करने के बाद में फ्रेंड्स ये लोन एप्लीकेशन ये देखती हैं कि वास्तविक में ये बंदा जो है पेड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर उनको वहाँ पे ये लगता है कि ये बंदा इस अमाउंट को पेड नहीं कर पाएगा तो आपके लोन अमाउंट को सेटलमेंट करने की भरपूर कोशिश करते हैं। उस समय भी अगर आप लोग सेटलमेंट नहीं करते हैं तो ये आपके लोन को वेवियर ऑफ कर देते हैं, मतलब आपके लोन को 100% पूरी तरह से माफ़ कर देते हैं। उसके बाद में आप लोगों के पास में इनकी कॉल्स आना बंद हो जाता है, मैसेज आना बंद हो जाता है और किसी प्रकार से आप लोगों को तंग नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स नंबर 3 कैटेगरी वालों का लोन वेवियर ऑफ मतलब पूरी तरह से 100% माफ होने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया है जिनके पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं है, कोई जॉब भी नहीं है और उनके पास में किसी भी प्रकार का कोई इनकम स्रोत नहीं है। उन लोगों को जानकारी देने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लें, ज़्यादा ना घबराएं, लोन लेकर ना चुका पाना किसी भी प्रकार का कोई क्राइम नहीं है, इसलिए घबराएं नहीं, शांति से रहें। आपके पास में अगर पैसा आता है, कोई जॉब लगती है तो आप लोग इनके पैसे को पेड कर दीजिए, नहीं आता है तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रकार की अगर आप लोगों को लगता है कि किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल प्रॉब्लम से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप लोग कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आप लोगों के कमेंट्स का जवाब देता हूँ। 99 नहीं बल्कि 100% लोगों के मैं कमेंट्स का जवाब देता हूँ। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी हैं कि आप यहाँ कमेंट्स पे शेयर नहीं करना चाहते तो आप लोग वहाँ पे कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं कि सर मैं आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं आप लोगों को मैं मोबाइल नंबर भी वहाँ पर अवेलेबल करा देता हूँ जिन लोगों की प्रॉब्लम्स वास्तव में, और जिन लोगों को लगता है कि मेरी प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी है कि मैं कमेंट्स के माध्यम से नहीं बता सकता तो वो लोग कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं, मैं उन लोगों को मोबाइल नंबर भी अवेलेबल करा देता हूं। आप लोग मुझसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं, जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को फाइनेंशियली एडवाइस करने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देता है।